अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सायरा कुज़ीन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा ब्रेकफास्ट जो यहाँ पे गोरों का बहुत कॉमन ब्रेकफास्ट है। टिम हॉर्टन में आपको इसकी वैरायटी मिलती है। जब भी यहाँ पे कभी आपका टिम हॉर्टन पे नाश्ता करने का चांस हो तो वहाँ पे आपके पास जो वैरायटी होती है, एग इन सैंडविच होता है, एग इन बिस्किट होता है, एग इन बेगल होता है, तो ये वो एग की रेसिपी मैं घर में अक्सर बनाती हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बेगल के अंदर हम बनाएंगे एग और इसमें देंगे थोड़ा सा अपना देसी टच। पर इस सबसे पहले आप जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके लिए मैंने सब्ज प्याज कट किया और उसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन चिल्लीस कट करके, सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर। ऑनियन मैंने जो है यूज़ किए वो फ्रीज़र में रखे हुए थे क्योंकि मैं अक्सर जो है ना ये ऑनियन बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनको मैं कट करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो मोस्टली जब भी ज़रूरत होती है वहाँ से निकाल के उनको यूज़ करती हूँ, या फिर आप फ्रेश ला के उनको कट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जाएंगे हमारे दो अंडे, इनको अच्छी तरह से करेंगे हम बीट, और उसके बाद हम एक पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे। आपकी चॉइस है, आप बटर डालें, ऑयल डालें या कुछ ना डालें। और इसके अंदर हम बेगल को गरम करेंगे, लाइक जैसे हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से बेगल को टोस्ट करेंगे। आप टोस्टर में भी इसको टोस्ट कर सकते हैं, टोस्टर ओवन में भी टोस्ट कर सकते हैं और पैन पे भी कर सकते हैं। बेगल का टेस्ट ब्रेड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और मज़े का होता है। अब रोज़ एक जैसा नाश्ता कर कर के हम लोग थक जाते हैं, तो हमें वैरायटी के लिए थोड़ा सा चेंज होना करना होता है, तो उसके लिए हम इसको बेगल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड का टेस्ट डिफरेंट होता है, इसी तरह से बेगल का भी थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होता है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे दोबारा से बटर। बटर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये मोस्ट हेल्दी चीज़ है, स्पेशली बच्चों के लिए, ऑयल वगैरह के की निस्बत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो बस इसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, कोई तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब, और उनमें हम करेंगे इन अंडों को लाइक फ्राई। बड़ा मज़े का सिजलिंग साउंड यहाँ पे आ रहा है इसका, एग का और बटर का। पैन को थोड़ा सा इधर उधर घुमा के हम जितना भी ये जो है स्प्रेड हो सकता है उसको स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से सारी साइडों तक के लिए, और इसको सेट होने देंगे। जब तक ये सेट नहीं हो जाएगा इसको बड़ी एहतियात से हम मूव करेंगे पैन को। जैसे ही हमारा अंडा सेट हो जाएगा फिर इसको टर्न करेंगे हम ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। जो प्याज होता है, सब्ज़ प्याज, ये थोड़ा सा वाटरी होता है तो इसका वाटर थोड़ा ड्राई होने का टाइम लगता है। जब ऑमलेट दोनों साइडों से सेट हो जाए तो फिर इसको सेंटर से कट कर लेंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो में अजान की आवाज़ भी सुन रही होगी। और फिर इसको फोल्ड करेंगे हर हिस्से को, लाइक इसको एक ट्रायंगल की शेप दे देंगे हम, बिल्कुल इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। दूसरा पीस भी फोल्ड कर लें। एग हमारा रेडी हो चुका है, बेगल हमने ऑलरेडी टोस्ट कर लिए थे, बस हल्का सा इसका रेडिश कलर अच्छी तरह से जब आ जाएगा तो हमारा ये एग रेडी है। तो हम इस एग को जो हमने बेगल टोस्ट किए थे उसके ऊपर प्लेस करेंगे कुछ इस तरह से। बस जी, हमारा तो यम्मी यम्मी एग और बेगल रेडी हो गया, इसको चाय के साथ सर्व करें।